सबसे पहले मैम अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा, ओके मैम, मेरे को ये बताओ कि 26 जनवरी कौन सी डेट को मनाई जाती है? ये तो कोई भी बता देगा। प्यारी समझ गई। तो बताओ ना कब मनाई जाती है? 15 अगस्त। क्या बोला तूने? 15 अगस्त। भाई यार, अगर तुम्हें क्वेश्चन किसी नर्सरी के बच्चे से भी पूछो ना तो वो भी बोल देगा कि भैया 26 जनवरी को मनाई जाती है, उस दिन लड्डू मिलता है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही, लड़कियों को ये सब नहीं पता होता कि 26 जनवरी कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, लेकिन लड़कियों को ये जरूर पता रहेगा कि मेकअप की दुकान कहाँ है, मेकअप कब करवाना है, मुस्कमा ब्यूटी पार्लर कहाँ है। भाई यार, गधा तो बेचारा फालतू बदनाम है, गधे से भी कम दिमाग तो लड़कियों में होता है। भाई यार, रिपोर्टर के पूछने के बाद कि 26 जनवरी किस डेट को मनाया जाती है, जब दीदी ने बोला ये तो हर कोई बता लेगा, तो मुझे अंदर से लगा कि इस बार लगता है कि गधा झुक जाएगा इनकी मेमोरी के सामने, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल गया कि गधे भाई, तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी। भाई यार, तुम सब कहोगे कि होता है डेट में कन्फ्यूजन, थोड़ा बहुत अटेंडर में बोला गया, तो भाई यार सिर्फ एक यही बात नहीं है, तुम अब लो इसे भी देख लो। 5 किलो आलू और 5 किलो रुई में से किसका वेट ज्यादा होता है? आलू। आलू। शाबाश। और आलू, थोड़ा सोचो। 5 किलो आलू गई तो और 5 किलो रुई में से पाँच किलो ही आलू है और 5 किलो ही रुई है, 5 किलो ही वेट है दोनों का, ये कैसे हुआ? पहले वाले को देखकर मुझे फिर भी थोड़ा सा लगा था कि होता है भाई, डेट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अब यहाँ देख लो तुम, मतलब भाई जब सेकेंड टाइम रिपोर्टर ने बोला कि दीदी सोचिए उसके बाद बताइए, फिर भी दीदी लोगों का सोचने के बाद भी बोल रहे हैं कि 5 किलो आलू और 5 किलो रुई में से 5 किलो आलू का वेट ज्यादा होगा। Women. सच में यार भाई, अगर तुम ये क्वेश्चन किसी बहरे से भी पूछोगे तो वो भी बोलेगा कि 5 किलो रुई और 5 किलो आलू का वेट बराबर होता है, इसमें से किसी का ना ज्यादा होता है ना किसी का ना कम होता है, लेकिन ये लड़कियां हैं, इनको ये सब थोड़ी ना पता है, इनको तो सिर्फ ये पता होता है कि ब्यूटी पार्लर की दुकान कहाँ पर है, किस चौराहे पर है, किस किराए पर है, कौन कहाँ है। सच में यार, लोग फालतू का गधे को सबसे कम अकल वाला जीव मानते हैं। मगर क्यों? क्योंकि यार गधे के पास भी इससे ज्यादा दिमाग होता है, ये लड़कियां असली गधा वाला काम कर रही हैं। सॉरी यार, गधा कहने पर गधे की बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियां कुछ तो काम कर रही है लेकिन गधे से भी नीचे है। नहीं यार भाई, ज्यादा हंसो मत, गधे के पास सभी से ज्यादा दिमाग होता है, अगर तुम गधे का कंपैरिजन लड़कियों के साथ करो ना तो गधे को भी गुस्सा आ जाएगा, वो आकर के तुम्हें मार करके चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यार एट द लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखो ये सिर्फ बकचोदी है, मजाक है, मस्ती है, इसे सीरियसली मत लेना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, और हाँ अगर मेरी सुटों से थोड़ी सी भी हंसी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।